घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। गरे गधम रे सा ध गा रे ग सा रे सा सा रे ग मा प ग म प द प प द म प ग रे ग रे ग म म म ग रे ग सा रे नि ध ध ग सा रे सा। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभाव वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आपने सबसे पहले देखे कि कौन से थाट जो हैं हमारे 10 थाट कौन से समय पर आते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया कि उसमें कौन कौन से राग हैं जो उसी समय पर आते हैं, अब हम देखेंगे कि कौन से राग हैं जो उन 10 थाटों में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो मेरी रिसर्च है ये भातखंडे जी की किताब हैं, जो 6 हमारी क्रमिक पुस्तक मालिका हैं उस पर बेस्ड है, और राग परिचय के जो हमारे 4 भाग हैं उस पर बेस्ड है, जिनकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन्स में भी है ना, और उससे आपने समझ लिया होगा कि क्या कैसे समय डिसाइड होता है और कैसे क्या। अब कैसे थाट डिसाइड होता है वो मैं ज़रा आपको थोड़ा बता दूँ कि जो हमारे 10 थाट हैं उनका अपना एक चलन निश्चित है, थोड़ा उनका एक स्वरूप निश्चित है, तो उन्हीं पर आधारित ये जन्य रागें हैं। आश्रित रागें तो 10 हैं, वही जो बिलावल थाट की राग है तो बिलावल राग है, वो उसकी आश्रित राग है, ऐसे हमारे 10 थाट की 10 रागें हैं, लेकिन कई रागें हैं जो उनकी जन्य रागें हैं, तो उनको क्यों उन्हीं थाटों में रखा गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अक्सर इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि थाटों से रागों का निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं है। राग जो है इमोशंस हैं, फील हैं, वो पहले बने हैं, है ना। हमारे थाट जो हैं ये हमारे भातखंडे जी ने इनकी कैटेगरी बांटी है कि कौन सा थाट में कौन सी राग आनी चाहिए, उन्होंने उसको उसमें डाला है और किसी लॉजिक से डाला है। वो लॉजिक ज़्यादातर चलन पर बेस्ड है कि इनका जो चलन है वो इस अंग में जा रहा है, ये स्वरूप इसका देता है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो भूपाली है। भूपाली आपने सभी ने जानी है राग, लेकिन उसमें तीव्र मध्यम नहीं लगता है, लेकिन वो कल्याण थाट में आती है। क्यों? क्योंकि उसका जो चलन है वो वैसा है। उसको मैं अभी आपको गा के भी बताऊँगा थोड़ा बहुत, है ना। फिर हम देखें हमारी जो मालकौंस राग है वो गधनी कोमल होने के बावजूद भैरवी थाट में आती है। हम सोचेंगे गधनी कोमल तो आसावरी थाट में होता है, तो सिर्फ स्वरों का जो स्ट्रक्चर है उससे थाट डिसाइड नहीं होता है, चलन से डिसाइड होता है कि उसका चलन कैसा है। काफी ऐसी रागें आपको इसमें मिलेंगी जिनमें तीव्र मध्यम लगता है, लेकिन उनका चलन जो है वो बिलावल से हल्का हल्का मिलता है, लेकिन उनको कल्याण थाट में रखा गया है ना। भले उनका चलन बिलावल से मिलता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ रागें हैं जो पहले बिलावल थाट में ही मानी जाती थी, पर क्योंकि उनमें जो जब से तीव्र मध्यम का अधिक प्रयोग होने लगा तो उनको हम कल्याण थाट में कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो केदार है ना, ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि केदार जो है हमें पहले बिलावल में बिलावल अंग से उसको गाया जाता था, और उसका चलन आज भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप बिलावल से मिला सकते हो, लेकिन क्योंकि उसमें तीव्र मध्यम भी लगता है इसलिए थोड़ा बहुत चलन कल्याण अंग की तरफ चला जाता है, इसलिए उसे कल्याण थाट में रखा गया है। कई मतभेद भी हैं, काफ़ी रागें ऐसी हैं जिनके ये थाट भी हैं, ये भी है, ये भी हैं। काफ़ी रागें ऐसी हैं जिन्हें थाट अंग से गाया जाता है, कोई एक राग है वो इस अंग में गाता है, कोई इस उसी राग को किसी और अंग में गाता है। काफ़ी ऐसी रागें आपको मिलेंगी जिनके स्वर सेम हैं, सारे ग पद सा वही भूपाली, सारे ग पद सा वही पहाड़ी, सारे ग पद सा वही देशकार, लेकिन थाट अलग अलग हैं। देशकार बिलावल थाट में आता है तो भूपाली आपका कल्याण थाट में आता है। क्यों? क्योंकि चलन जो है कैसा आपको मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि थाट जो है कैसे डिसाइड होता है। अब आइए सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए आपकी 10 थाटों की, एक लाइन बना लीजिए। लिस्ट आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मैं बोल के भी अभी आपको थोड़ा बहुत स्वरूप जो है बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम बिलावल, तो ये वही कुछ लगभग 150 के करीब रागें आपको मिलेंगी। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जो सबसे ज़्यादा रागें हैं वो आपको काफ़ी थाट में मिलेंगी जहाँ तक कि मैंने रिसर्च करी है, और उसके बाद आपके बिलावल थाट में हैं, है ना, और आपकी खमास थाट में भी हैं, ठीक ठीक हैं, कल्याण थाट में उसके बाद बहुत ज़्यादा हैं, है ना। ऐसी आपके बहुत सारी आपको मिलेंगी। कई रागें हैं जो ये किताबों में हैं वो बता रहा हूँ, और कई रागें होंगी जो लोगों ने निर्माण करी है तो उनका इसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि वो मैंने जो गुरुओं से टैली किया उसमें से मुझे कुछ ही रागें मिली। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिलावल।
सबसे मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि हो सकता है इनमें से कई रागे हों आपने नहीं सीखी हों, नहीं पता हों, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कौन सी राग कौन से थाट में है, हमको कैसे पता, हमने तो सीखी नहीं। तो आप ये लिस्ट तो एक बार तैयार रख लीजिए, फिर जब वो राग आप सीखेंगे, जब वो चीज़ें आपके उस समय पर आएंगी, तब आपको ये मदद मिलेंगी, क्योंकि ये लिस्ट आपको अलग से किसी किताब में नहीं मिलेगी, है ना। तो बिलावल जो हमारी जाति है उसका खास अंग क्या है? मा ग म रे सा ग प नि ध सा ग प नि नि ध नि सा नि ध प म ग म रे ग म ब ग म रे सा नि ध सा। ये बिलावल अंग है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी रागे आ जाती है? आपकी अलैया बिलावल आ जाती है, दुर्गा आ जाती है, जबकि दुर्गा कैसी है? सा रे मा प द सा द प म रे ध सा। इसमें कहीं ना कहीं बिलावल का टच है, जब धैव तो षड्ज की संगति जाती है। फिर बिहाग आती है जो कि नि स ग म प ग म प नि ब म प ग म ग। अब आपने देखा मैंने इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया। कुछ होते हैं जो तीव्र मध्यम नहीं लगाते हैं बिहाग में, कुछ हैं जो बिहाग को मध्यम सिर्फ शुद्ध करके गाते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बिलावल में कैसे आ रही है? नि सा ग म प ग म प नि ब ग म प नि ब सा नि ध प म प ग म ग। तो ये जो सा नि ध प पंचम से निषाद की संगति है, म ग ग म प ग म रे सा ग म प नि सा ग म प, ये बिलावल अंग है। फिर आता है हमारा देशकार, सा रे ग प द सा द प ग प द सा द प ग सा ग प द सा द प, है ना। ये जो देशकार है ये भोपाली से नहीं मिलती जुलती है, क्योंकि इसका चलन एकदम अलग है। भोपाली में आपको बताऊंगा कल्याण में कैसे आती है। फिर आते हैं हम शंकरा पे, सा रे ग प नि ध सा नि ब ग प नि ध सा नि ब ग प ग सा। नि ध सा नि आपने देखा बिलावल से मिलता है। फिर पहाड़ी, वो भी सेम स्वर है। मांड, जैसे कि मैंने स्वरूप बताया, बिलावल में है। आसा, देवगिरी बिलावल, फिर मलुहा केदार, जलधर केदार, बिहागड़ा, सरपर्दा, शुक्ल बिलावल, नट बिहाग, कुकुभ, हंस ध्वनि, भिन्न षड्ज, नट बिलावल, पट बिहाग, हेम कल्याण, औड़व देवगिरी, लच्छा साख, नट नारायण, कामोद नाट और केदार नाट, सावनी जिसको बिहाग अंग से गाया जाता है, छाया, छाया तिलक, मेवाड़ा, ये कुछ रागे हैं। अब इसमें कई ऐसी रागे भी हैं जो अलग अलग थाटों में भी है, जिनको मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि आप देखेंगे भटियार, भटियार को लोग बिलावल थाट में भी गाते हैं, तो भटियार को लोग क्या बोलते हैं अपने मारवा थाट में भी गाया जाता है भटियार को, है ना, इसीलिए मैंने उसको कॉमन रखा है। फिर है पटमंजरी, पटमंजरी को भी लेके लोगों के वो मतभेद हैं। काफ़ी में भी आता है, बिलावल में भी आता है। नटमलहार, नटमलहार भी आपका काफ़ी में भी आता है, बिलावल में भी आ रहा है। दीपक जो है, दीपक राग आपका बिलावल में भी मान रहे हैं, कल्याण में भी मान रहे हैं, और पूर्वी में भी मान रहे हैं, है ना। तो ये एक वो बैठता है, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा है। फिर है गुणकली, गुणकली लोग बिलावल अंग से भी गाते हैं, भैरव अंग से भी गाते हैं, तो ये कॉमन हो गए। फिर आते हैं हम कल्याण पे, जैसा कि आप जाते हैं तीव्र मध्यम, नि रे ग म प म रे ग रे नि ध सा। इसी में आती है केदार, सा म ग प म प नि द प म प ग म रे सा म ग प म प द नि सा द प। अब यहाँ देख रहे हैं आप बिलावल जा रहा है, म प द नि सा द प, है ना। तो ये बिलावल अंग में आ रहा है, लेकिन म प द प म प म रे सा, ये आपका कल्याण में आ गया, ठीक है। फिर आती है भोपाली, ध स रे ग ध स रे ग प ग ग प ध सा ध प ग रे ग ध प ग स ध स रे ग ग प ध प ग रे ग सा ध प, है ना। ये हमारी भोपाली आ जाती है। फिर आती है गौड़ सारंग, हमीर, कामोद, हिंडोल, छायानट, शुद्ध कल्याण जिसको हम भूप कल्याण भी कहते हैं, यमनी बिलावल, मारो विहाग, नंद, शुद्ध सारंग, श्याम कल्याण, चंद्रकोंत, सॉरी चंद्रकांत, जैत कल्याण, चांदनी केदार, दुर्गा कल्याण, हेम कल्याण, नट केदार, मालश्री, सावनी कल्याण और दीपक, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें भी आती है, ठीक है। तो बिलावल में लगभग लगभग 36 रागें आ गई हैं, कुछ मैंने जो रिसर्च करी हैं। कल्याण में अब तक हम देख चुके हैं 23 रागें। अब आते हैं हम काफी थाट पर। आप देख रहे हैं मैंने इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग रखा है, समय अनुसार नहीं रखा है, मैंने जो बिलावल और कल्याण को साथ में रखा, क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ तीव्र मध्यम का फर्क है, और फिर मैंने
काफी खमाज को साथ में रखा है, जिसमें कि काफी में गनी कोमल है और खमाज में नी कोमल है। तो क्योंकि कई रागें ऐसी हैं जो बिलावल और कल्याण में मतभेद खाती हैं, कई रागें ऐसी हैं जो काफी और खमाज में मतभेद खाती हैं, कई ऐसी हैं जो मारवा पूर्वी में मतभेद खाती हैं, इसीलिए मैंने उनको साथ में रखा है। आसावरी तोड़ी मैंने साथ रखे हैं और भैरव भैरवी मैंने साथ में रखे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, उस अंग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका समय से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम काफी पर। काफी पे बहुत सारी रागें हैं, शुरू होते हैं हम काफी से जो कि हमारा ग नी कोमल है। सारे ग म प द नि ज नि द प म ग रे रे प म प ग रे ग स रे नि ज। फिर आती है भीमबला सी, नि ज ग म प नि ज ग रे नि ज नि द प म प ग म ग रे नि ज। अब आप देखने वाली बात यह है, काफी जो है मध्यरात्रि की राग है, लेकिन भीमपलासी जो हमारी है वो दिन के दूसरे प्रहर की राग है, सॉरी दिन के शायद तीसरे प्रहर की राग है। हाँ, दिन के तीसरे प्रहर की राग होनी चाहिए। हाँ, दिन के तीसरे प्रहर की राग है। तो ये आप सोचते हैं कि यार ये क्या बात हुई, काफी जो है वो तो मध्यरात्रि की राग है लेकिन भीमपलासी आपके दिन में गाई जाती है। तो इसका अपना जो नियम है वो क्या है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। पूर्वांग, उत्तरांग और अध्वदर्शक स्वर, वादी संवादी, गनी कोमल वाले राग या कौन से राग है ना, सिर्फ ग कोमल वाले राग, रेधा कोमल वाले राग, ये राग का समय डिसाइड करते हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ लिस्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ। तो काफी में कौन कौन से आए, काफी, भीमपलासी, फिर बागेश्वरी, धनी सा मा ग रे सा मा ग मा धने सा। फिर आती है वृंदावनी सारंग, नी सा रे मा प नी सा नी ब म रे नी सा, बाहर प ग म रे सा नी धनी सा मा ब नी धनी सा नी ब म प ग म रे सा। फिर आती है मिया मलार, प ग म रे सा नी धनी सा मा ब नी धनी सा रे ब ग म रे सा। सेम ही है लगभग स्वरूप, लेकिन आंदोलन और उसका चलन का काफी फर्क है। पटदीप जो कि भीमपलासी से मिलती जुलती है, ग म प नि स द प म प ग स नि स ग म प ग म प नि। फिर आती है पीलू, प नि स रे ग स प ग स नि स ध नि स रे ग स नि स ग ग म नि प ग स नि स। फिर आती है मालगुंजी जो कि बागेश्री और रागेश्री से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर है सिंदूरा, नाइकी कानड़ा, सूहा, सूल मरार मल्हार, मियाँ की सारंग, रामदासी मल्हार, आभोगी कानड़ा, हंस किंकड़ी, सुघराई, शहाना, श्रीरंजनी, काफ़ी कानड़ा, प्रदीप की, धानी, फिर पटमंजरी जैसा कि मैंने बताया बिलावल और काफ़ी में दोनों में है, जयंत मल्हार, मेघ मल्हार, सामंत सारंग, नीलाम्बरी, बड़हंस सारंग, देवसाख, भीम, धनाश्री, पलासी, फिर आती है हमारी आभोगी, गौड़, सिंध, बरवा, पंजाबी बरवा, लंक दहन सारंग, मीराबाई की मल्हार, चरजू मल्हार, चंचल सस मल्हार, धूलिया मल्हार, फिर आती है रूपमंजरी मल्हार। अब इसमें भी काफ़ी ऐसी रागें हैं जो अप्रचलित हैं, जो बनाई गई हैं, और कुछ रागे ऐसे हैं जिनका समय जो है मेल नहीं खाता है, जैसे कि मैंने आपको तीन रागें और जो है काफ़ी मैं नहीं बताई, जो कि है नटमलार, चंद्रकौंस और कौशिक कानड़ा, जिसको हम कहते हैं कौंसी कानड़ा। ठीक है, तो क्या अंतर है, नटमलार जो हमारी है वो और कौन से थाट में आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिलावल में। ठीक है, फिर चंद्रकौंस जो आती है वो हम कई लोग उसको आप देखिए कौन से थाट में मानते हैं, भैरवी में भी मानते हैं और कई हैं काफ़ी में कह रहे हैं उसको। फिर आपकी आती है कौंसी कानड़ा, या कहूँ कि कौशिक कानड़ा, जो कि आपके लोग आसावरी में भी मानते हैं। तो आसावरी में और खमाज में, काफ़ी में, दोनों में ये राग मानी जाती है, लेकिन जो कौशिक कानड़ा जो काफ़ी में है वो बागेश्वरी अंग से गाई जाती है, और बागेश्वरी क्योंकि हमारी काफ़ी थाट की राग है। ठीक है, फिर आते हैं हम खमाज पर। खमाज में आप जानते हैं कि सिर्फ निषाद कोमल लगता है, सा ग म प ग म प नि ग म प नि स नि द प म ग रे सा ग म प सा ग म प नि स नि द प म ग म रे सा। जाते समय निषाद शुद्ध भी लग रहा है। ठीक है, फिर आते हैं देश जो कि खमाज थाट के, नि स रे म प नि स रे नि द प द म ग रे ग स नि प नि स रे ग स रे नि स। और इसी से मिलती जुलती है तिलक कामोद, सारे ग सारे प म ग रे ग सानी पानी सारे ग सारे ने पासा। निषाद पे ज्यादा आप वजन दे दो तो वो तिलक कामोद हो जाती है। फिर रागेश्री जो कि बागेश्री से मिलती जुलती है,
ये गंधार निषाद कोमल लगा के बागेश्वरी जो कि हमारी काफी थाट में, और रागेश्वरी जिसमें सिर्फ निषाद कोमल है। सा ग म रे सा ये खमाज थाट में आ गई रागेश्वरी। फिर तिलंग आती है सा ग म भ ग म भ नि सा नि भ म ग म ग, ये आपकी तिलंग हो गई। ठीक है, तिलक कामोद, गौड़ मलार, गोरख कल्याण, कलावती, जनसमोहिनी, झिझोटी, खंबावती, नारायणी, गारा, मध्यमाद सारंग और सोरठ, ये हमारी खमाज थाट में आती हैं। फिर आते हैं हम मारवा थाट पर। जैसा कि आप जानते हैं साधनी रे ग म ध नि सा म ध रे सा नि ध म ग म ग रे ध नि रे सा, ये मारवा है। इसी से मिलती जुलती रागें और इसकी इसी थाट में आती हैं सोहनी, पूरिया, पूरिया कल्याण, जैत, भंखार, पंचम, माली गौरा, ललिता गौरी, पूर्व्या जिसको पूरब भी कहते हैं, पूर्व कल्याण, बरारी या फिर वराटी दोनों कहते हैं उसको, और आती है साजागिरी। ठीक है, ये रागे हैं। अब कुछ रागे इनमें भी हैं जो अलग अलग मतभेद खाती हैं, जैसे कि भटियार जो मैंने आपको बताया कि बिलावल से भी गाते हैं लोग, और एक है विभास। विभास को लेके बहुत मतभेद हैं। विभास वैसे भैरव थाट में गाई जाती है लेकिन मारवा में भी आती है, पूर्वी में भी आ रही है ना, तो ये ज़रा कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे भैरव से ही गाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम पूर्वी में। पूर्वी और मारवा में एक कॉमन राग है जो है ललित। लोग काफ़ी यूँ होते हैं कि ललित में कोमल धैवत लगा देते हैं या शुद्ध धैवत लगाते हैं, ऐसी भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, है ना। वो हमारी पूर्वी और मारवा दोनों में कंसिडर करते हैं कई लोग मतभेद मानते हैं कि नहीं सिर्फ मारवा मानेंगे और कोई पूर्वी में ही मानेंगे। तो पूर्वी जैसा कि आप जानते हैं ऋषभ कोमल, धैवत कोमल और मध्यम तीव्र। पामा गरे गरे सानी रे गरे सारे गामा पामा बागामा गरे मागरे सा, ये पूर्वी है। ठीक है, जिसमें दोनों मध्यम लगते हैं लेकिन ये पूर्वी राग में, थाट में नहीं। गामा धने सा ने दा पामा बागामा गरे सा। फिर पूर्या धनाश्री है ना, जो कि पूर्वी के ही सुर हैं, वो इसमें आती है। बसंत है सा गामा धारे सारे ने दा पामा गामा सा, ये आपकी पूर्वी थाट में आती है। फिर श्री है, परज है, जैताश्री है, बसंत बहार है, रेवा है, त्रिवेणी है, टंकी या फिर श्री टंक कहते हैं, मालवी है, हंस नारायणी है, मनोहर है ना। और जो मतभेद वाली हैं वो विभास और दीपक भी इसी में आती हैं। फिर एक राग आती है गौरी, जो कि भैरव थाट में भी है और पूर्वी में भी है, इसीलिए वो कॉमन है। फिर आते हैं हम भैरव थाट पे। ग म रे सा रे ध रे सा ग म द प ग म रे सा, जिसमें कौन कौन सी है, कालिंगड़ा है, भैरव है, विभास है जैसे कि मैंने बताया, रामकली है, अहीर भैरव, वैरागी भैरव, आनंद भैरव, बंगाल भैरव, शिवमत भैरव, गुणकली मैंने बताया, गौरी मैंने बताया मतभेद हैं, देवरंजनी, ललित पंचम, जोगिया, सौराष्ट्र भैरव, प्रभात, मेघरंजनी, और दो और रागे हैं जो कि फिर से वही मतभेद हैं, झीलफ और जंगूला, जो कि आसावरी में भी हैं और इसमें भी हैं, और ये क्योंकि क्या बोलते हैं अप्रचलित है तो इतना किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, फिर भैरवी में आते हैं सारे गरे सानी धारे सारे गामा गरे सा, इसमें माल कौन सा आती है, मा गा सा बिलास खानी, तोड़ी है नाम में, तोड़ी है लेकिन आती है भैरवी में क्योंकि उसका जो अंग है वो भैरवी का है और तोड़ी का उसका थोड़ा थोड़ा टच कहीं है। सारे गा पारा सारे ने दामा गरे गरे सा, ये भैरवी में आती है बिलास खानी तोड़ी। चंद्र कौन सा, मा गा मा दा नी सा माल कौन सा, निषाद शुद्ध करके बनाई भूपाल तोड़ी। सारे गा पारा सा धा पगा पदा पगा रे गरे सा, वो भैरवी में आती है। बसंत मुखारी है, ये हमारी साउथ से थोड़ी थोड़ी टच खाती है। फिर मोटकी उत्तरी गुणकली है ना, ये हमारी सब भैरवी में आती हैं। फिर आते हैं आसावरी में, आप जानते हैं गधनी कोमल लगते हैं। सारे मा बदा सा नी दा पा मा बदा पा गरे मा बदा मा बा गरे गा सारे नी सा, इसी से मिलती जुलती आती है राग जौनपुरी, वो भी आसावरी में है। अड़ाना, दरबारी, दरबारी और अड़ाना, आप देख रहे हैं कि ये जो दरबारी, ये जो रागे हैं ये मध्य रात्रि में आती हैं, लेकिन जो हमारा आसावरी थाट है वो आपका दिन के दूसरे प्रहर में आता है ना। ये काफ़ी आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। देशी है, देवगंधार है, गांधारी है और कौंसी कानड़ा, जैसे कि मैंने बताया था बागेश्वरी अंग से गाओ तो काफ़ी में आती है और मालकों संग से गाओ तो आसावरी में आती है। फिर गोपिका बसंत, खट, खट तोड़ी और सिंध भैरवी, ये सब आसावरी में आते हैं। और जंगला, झीलफ जो भैरव में भी आ रहे थे वो इसमें भी आते हैं। फिर आखिरी थाट हम लेते हैं तोड़ी हमारा।
जिसमें कि आप जानते हैं कि रे ग ध कोमल और मध्यम तीव्र है। सरे ग म ब द म ब म ग रे ग रे सरे ग म ब द म ब म द नि ज नि द ब म ब द ब म ग रे ग रे सा। इसी में पंचम हटा दो तो गुर्जरी थोड़ी। सरे ग म ध नि सा नि द म ग म ध म ग म ग रे सा, वो थोड़ी में आ जाती है, मुल्तानी है। नि स ग म ब ध नि स नि स ग म ब नि स नि ध ब म ग रे ग रे सा, वो इसमें आती है। फिर कुछ अप्रचलित तोड़ियां हैं, जैसे लाचारी तोड़ी, लक्ष्मी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी और अंजनी तोड़ी। ठीक है, तो ये कुछ रागे हैं जो हमारे दस थाटों में आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जल्द मैं आपको थाटों का एक नया रियाज बताऊंगा जो थाट कॉम्बिनेशन में रियाज करते हैं, जैसे कि आसावरी तोड़ी, दोनों आरोह में आसावरी, अवरोह में तोड़ी, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं जल्द आपको बताऊंगा। उन पर हम चर्चा करेंगे, उनका रियाज करेंगे, तो बहुत बेहतरीन हमारी नॉलेज हो जाएगी, गला अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, एंड लाइक कमेंट शेयर करें एज यूजुअल, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा ये मेरी रिसर्च और क्या आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं ऐसी और भी रिसर्च करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।